तो यार चेन्नई सुपर किंग्स का मोस्ट ट्रस्टेड डेप्यूटी ड्वेन ब्रावो 10 साल बाद सीएसके से रिलीज कर दिया गया है। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब महेंद्र सिंह धोनी ने ना बहुत टाइम तक इस बंदे पे बहुत ही ज्यादा भरोसा जताया हुआ था, लेकिन ये बंदे में ना अभी भी है यार, मतलब अभी भी खेल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज उसी की बात करने वाला हूँ कि ये जो बंदा है किस टीम में जा सकता है, किस आईपीएल टीम में जा सकता है। लेकिन ये बताने से पहले कुछ छोटी मोटी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बंदा है ना 4.4 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स में था, तो जो भी टीम लेगी ऑब्वियसली कम में ही लेना पसंद करेगी, क्योंकि यार 4 करोड़ का तो अभी प्लेयर रहा नहीं है, एज भी इसकी 39 हो गई है। तो जो भी टीम इसे लेने के लिए कंसिडर करेगी ना, उस टीम के पास पैसे ज्यादा होने वाले है नहीं। अब इस बंदे की मैं स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ। ये बंदा एक ऑलराउंडर है जो कि मतलब बड़े बड़े हिट्स लगा सकता है। कैट बोलिंग में तो एक टाइम पे को वन ऑफ द बेस्ट बोलर्स में से एक था। आजकल का मैं उतना अच्छा नहीं कहूंगा, इतना ज्यादा श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी बोलिंग कराई लेता है। तो आज मैंने 3 ऐसी आईपीएल फ्रेंचाइज को मतलब लिस्ट किया है जो मतलब इस प्लेयर को ले सकती है, जिसमें पहला नाम है राजस्थान रॉयल्स का। अब देखो इस टीम के पास ना बहुत ज्यादा बजट नहीं है, सिर्फ 13 करोड़ रुपए हैं इसके पास, और इस टीम को एक अच्छा खासा ऑलराउंडर चाहिए। इनकी जो टीम है तुम देख सकते हो, इसमें मतलब कोई भी एक ऑलराउंडर नहीं है। इन्हें ऑलराउंडर तो चाहिए, लेकिन 13 करोड़ में इन्हें ना बेन स्टोक्स मिलने वाला है, ना सैम करन मिलने वाला है, ना कैमरून ग्रीन मिलने वाला है। तो ये मतलब ऐसे ही छोटे मोटे ऑलराउंडर्स को टारगेट करेंगे, और ड्वेन ब्रावो जो है वो बहुत सस्ते में मिल सकता है इन्हें इस आईपीएल ऑक्शन में। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी यार, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और ड्वेन ब्रावो बहुत ही लीथल बोलिंग करा सकते हैं डेथ ओवर्स में, ऐसा मुझे लगता है। देखते हैं खरीद पाते हैं नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन जो दूसरी टीम है मुझे लगता है जहां ये जा सकता है, उसका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। इस टीम ने ना बहुत ही बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रखे हैं अभी जो ये रिटेंशन हुआ था, क्योंकि फर्ग्यूसन और शार्दुल ठाकुर को इन्होंने 20 करोड़ में खरीदा है। मतलब उस लायक तो मुझे लगता नहीं है यार। लोकी फर्ग्यूसन तुमने देखा ही है अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ, मैंने तुम्हें पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऐसा बॉलर है जो मतलब या तो बहुत ही अच्छी बोलिंग करा देगा, स्पीड है इसके पास, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसा बॉलर भी है जो डायरेक्ट 50 रन खाता है। तो यार लोकी फर्ग्यूसन 10 करोड़ में क्यों खरीदा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन यार इनके पास सिर्फ 7 करोड़ रुपए बचे हैं, और ये अगर एक ऑलराउंडर देख रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि कहीं बैकअप तो ढूंढ ही रहे हैं शायद ये भी, तो सस्ते में सिर्फ ड्वेन ब्रावो ही मिल सकता है इनको, तो मतलब ये भी उसे टारगेट कर सकते हैं। अब ड्वेन ब्रावो सीधे प्लेइंग 11 में तो नहीं आएगा मुझे नहीं लगता है, बहुत से प्लेयर ऑलरेडी हैं, लेकिन ये एक अच्छा बैकअप बन सकता है यहाँ पर को। तो देखते हैं अगर केकेआर खरीदती है, वैसे जितना इनका बजट है यही इनको मिलने वाला है, ज्यादा मतलब अच्छे तो क्या ही मिलेंगे इन्हें। अब जो तीसरी टीम इस लिस्ट में मैंने चुनी है ना, उसका नाम है मुंबई इंडियंस। ये जो बंदा है ना ड्वेन ब्रावो, इसने पहले के जो 3 सीजन है ना मुंबई इंडियंस से ही खेले थे, तो मतलब यूज टू है थोड़ा मतलब ड्वेन ब्रावो से, क्या पता इसे खरीद भी सकते हैं। अब देखो इन लोगों ने पोलार्ड को भी छोड़ दिया, पोलार्ड अब बैटिंग कोच बन गया तुम्हें पता ही है, तो क्या पता मतलब ये उसका रिप्लेसमेंट ड्वेन ब्रावो को ले सकते हैं। अब इनके पास भी सिर्फ 20 करोड़ है, 20 करोड़ मतलब है ही ज्यादा, लेकिन फिर भी मतलब पोलार्ड का जैसा रिप्लेसमेंट तो नहीं है ड्वेन ब्रावो, लेकिन स्टिल डेथ बोलिंग में बहुत अच्छा कर सकता है, कंसिडरिंग कि इनके पास बुमराह और जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर हैं, इनके बैकअप के रूप में भी रह सकता है वो। जोफ्रा आर्चर जैसे आजकल बॉलिंग कराने लग गया है, तुमने सुनी ली होगी न्यूज की, वो फिट हो चुका है, लेकिन फिर भी मतलब एक अच्छा बैकअप हो सकता है डेथ बोलिंग के लिए इस टीम में भी ड्वेन ब्रावो। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।